इसराइल पर 200 मिसाइलों की बारिश के बाद अब ईरान को डर सता रहा है कि यहूदी देश कभी भी पलटवार कर सकता है। इसी वजह से ईरान अपने सभी रक्षात्मक हथियारों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इस बीच ताजा तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने चीन से खरीदे गए अपने लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को तैनात कर दिया है। ये देखने में साइलेंट हंटर की तरह है। चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को चक्कर में डाल सकता है, वहीं कुछ परिस्थितियों में ये लेजर सिस्टम ड्रोन को मार भी गिरा सकता है। ईरान ने इसके अलावा कई और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया है। ये वही ईरान है जिसने रूस से लेकर कई देशों को बहुत बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन की आपूर्ति की है। अब ईरान को भी इसराइल से इन्हीं विस्फोटक ड्रोन का खतरा सता रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ईरान ने राजधानी तेहरान में इन ड्रोन सिस्टम को तैनात किया है। इस सिस्टम को तब तैनात किया गया था जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई नमाज अदा करने और तकरीर करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि ईरान को डर सता रहा था कि इसराइल खामेनेई को निशाना बना सकता है। इस तकरीर में खामेनेई ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश करने के फैसले का बचाव किया था। खामेनेई ने हमास आतंकियों के 7 अक्टूबर के हमले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आगे भी ईरान से जुड़े संगठन इसराइल के तमाम हत्याओं के बाद भी हमले जारी रखेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने चीन के बने साइलेंट हंटर को तैनात किया है। ये सिस्टम लक्ष्य के आधार पर 5 किलोमीटर तक निशाना साधने में सक्षम है। ये ड्रोन सिस्टम एक ट्रक पर लगाया गया है। इसमें एक रडार लगा होता है जो ड्रोन की पहचान कर उसे ट्रैक करता है। चीन का दावा है कि ये ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर दूर से ड्रोन की पहचान कर लेता है। चीन के मुताबिक इस लेजर सिस्टम में 10 से 20 किलोवाट पावर रेंज होती है। ये ड्रोन को अंधा करने की ताकत रखता है। साथ ही 3 किलोमीटर तक ये ड्रोन को चक्कर में डाल सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर की रेंज में कुछ लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। चीन का कहना है कि लेजर एक बार में 3 मिनट तक काम करता है। इसके बाद इसे चार्ज होने में 5 मिनट लगता है, फिर ये दोबारा हमला कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि ड्रोन को चक्कर में डाल देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम चीन ने सऊदी अरब समेत कई देशों को बेचे हैं। बता दें कि इसराइल ने साफ कर दिया है कि वह अमरीका की सलाह के बाद भी ईरान को जोरदार जवाब देगा।